हेलो एवरीबॉडी एवं सभी को जय गुरु। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोड के बारे में आपको इंटीमेशन मिल पाएगा। आज हम एक रियल लाइफ स्टोरी के बारे में आलोचना करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप लोग उसको लास्ट तक सुनिए और उसके साथ साथ उसको शेयर करके बाकी लोगों को भी सुनाइए। परम प्रेम से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। चलिए हम आलोचना शुरू करते हैं। इसी रियल लाइफ घटना में हम गुरु भाई का एक्चुअल नाम, प्लेस और एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं बता रहे हैं, उसके सिमिलरिटी बता रहे हैं ताकि ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा। वो गुरु भाई बेंगलोर में रहते हैं, उनके एक लड़की 7 साल की और एक लड़का 2 साल का। वो फैमिली के साथ भुवनेश्वर जाने के लिए प्लान किए हैं और उनका इमीडिएट जाने का प्लान हुआ है, तो वो 2 दिन पहले बुक करें। तब सेकेंड वेव ऑफ कोरोना इतना तेज़ी से शुरू नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सभी जगह रेस्ट्रिक्शन और आरटीपीसीआर टेस्ट दिखाना, कंपलसरी करना, ये सब मैंडेटरी कर दिया गया था। और स्पेशल करके भुवनेश्वर उड़ीसा में वो तो मैंडेटरी था। वो गुरु भाई ये सोच के जिस दिन ट्रैवल से एक दिन पहले जाके अपना आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए सैंपल अपने बच्चों के साथ और पूरा फैमिली का दे के आए, उसमें वो अपने वाइफ बच्ची का तो सैंपल ले लिया गया, लेकिन बच्चा 2 साल का वो रो रहा था, दिखाया नहीं ठीक से और ठीक से भी सैंपल कलेक्शन नहीं हो पाया था। कहते हैं लाइफ इज ए गेम प्लेड, तो इसी में देखिए आगे चल के क्या हो रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो गुरु भाई हमेशा और हर एक काम में ठाकुर जी को लेके चलते हैं, हमेशा नाम ध्यान करते हैं। और वो जो सैंपल का रिपोर्ट मेडिकल वाला बोला है कि आपको रात को 8 बजे के बाद रिपोर्ट मिलेगा, वो कहीं किसी कारणवशत जा नहीं पाए, किसी दूसरे आदमी के हाथ में वो मंगाए। तो वो जब हॉस्पिटल गए तो उसमें सब चेक किए तो उसमें तीनों का बोला कि सबका नेगेटिव है, उनका जो बच्चा है वो पॉजिटिव है। या फिर उनको फिर ये बोले कि उनके साथ फिर बात किए, बोले कि कैसे अब जब सबका नेगेटिव हुआ है तो बच्चा 2 साल का वो उसका कैसे पॉजिटिव हो जाएगा और उसके साथ वो भी सैंपल ठीक से कलेक्शन हुआ नहीं था, रो रहा था और ऊपर से वो बच्चा हमेशा घर में रहता है, कभी वो जब कहीं बाहर जाएंगे तभी तो उसको लेके जाएंगे। ये सुन के हॉस्पिटल वाला गुस्सा हो गया, फिर भी कामली बाद में उसको समझाया और बताने के बाद वो आधा घंटा 1 घंटे के बाद जो बंदा दूसरा बंदा गया था उसको झेला के रिपोर्ट दिया, बोले कि जितका जिन लोगों का भी नेगेटिव है उनका रिपोर्ट दे दो। वो तीनों का रिपोर्ट लेके आया लेकिन बच्चा का रिपोर्ट दिया नहीं।
फिर भी हम चाहे कितना भी कोशिश करें, लेकिन फिर भी हमारा माइंड थोड़ा सा इधर उधर भटकता रहता है। वो गुरु भाई थोड़ा सा पजल हो गए। रात को 10:30-11 बजे उनका फ्लाइट सुबह 8 बजे था। वो तो श्योर थे ठाकुर जी को लेके कि ये रिपोर्ट गलत है, क्योंकि बच्चा, एक तो बच्चा ने ठीक से दिखाया नहीं था, और सैंपल दोनों, जो नाक वाला और मुंह वाला, दोनों तो ठीक से कलेक्शन हुआ नहीं था। और दूसरी बात है, जब तीनों का नेगेटिव है तो एक का पॉजिटिव कैसे हो गया? और तीसरी बात है, सब लोग जब अंदर है, अंदर रह रहे हैं, तो बच्चा को लेके बाहर जाने का कोई सवाल नहीं था। तो इसी ग्राउंड में वो पॉजिटिव थे, बोले कि जो होगा आगे देखा जाएगा। लेकिन उनके वाइफ थोड़ा सा पजल होते थे, बोले कि उस टाइम 10:30-11 बज गया था, और वो फिर भी आसपास में कहीं 2-3 लैब में जाके पूछे, बोले कि ना आज नहीं हो पाएगा टेस्ट, इनकेस टेस्ट कराना हो तो कल सुबह 8 बजे के बाद ही हो पाएगा। तब तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, कि उन ऑलरेडी फ्लाइट बुक हुए तो उनको प्रोसीड करना था ट्रैवल के लिए। तब वो जब सुबह उठ के, फिर वो लोग रेडी होके निकल गए, और उनको वो लगभग 6:30 आसपास एयरपोर्ट में पहुंच गए। तो वहाँ पे आरोग्य सेतु आप दिखाने के लिए बोला है, तो वो अपडेट नहीं था, तो फिर जाके बोले कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाओ। वो गुरु भाई ने तीनों आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखा दिए, और जो चेकिंग कर रहा था सीआईएसएफ वाला, वो फिर पूछा नहीं बच्चे के बारे में। वो करके फिर अंदर अलाउ किया, वो लोग फिर फ्लाइट बोर्ड किए। ये ठाकुर जी के दया से तो पार हो गए। अब बात रहा कि उतरने के बाद आफ्टर लैंड क्या करना है। जैसे भुवनेश्वर में उतरे हैं तो बोले कि अभी तो यहाँ चेकिंग नहीं हो रहा है। फिर जैसे पता चला, जब लास्ट में बैग पिकअप से पहले सीआईएसएफ वाले ने सारे पैसेंजर्स को दूसरे साइड में ले लिए, मतलब जाने के लिए बोला है, और सबका आरटीपीसीआर रिपोर्ट मांगा है, या जिसका नहीं है इंस्टेंटली वहाँ एयरपोर्ट में करने के लिए बोल रहा था। तब तक ये गुरु भाई ने बोला है कि हमारा तो है रिपोर्ट, वो दिखाया तीनों रिपोर्ट। बोला कि कहाँ है आपका रिपोर्ट? गुरु भाई ने बोला कि हाँ ये देखिए हमारा रिपोर्ट है। बोला कि ठीक है जाओ करके। फिर इनको जाने दिया। फिर ये लोग भुवनेश्वर से फिर बैग पिकअप करके अपने घर आके पहुँचे। इसी में देखिए, एक का भी पॉजिटिव रिपोर्ट होता तो उनको फ्लाइट बोर्ड किया करने नहीं दिया था। और दूसरी चीज़, इनकेस किसी का भी रिपोर्ट नहीं होता तो मान लो वहाँ पे एयरपोर्ट में इंस्टेंटली टेस्ट करना पड़ता, और पॉजिटिव निकल जाता, तभी भी उनको फ्लाइट से बोर्डिंग के लिए आला नहीं किया जाता। तो ये सब केस में कैसे ठाकुर जी ने वो गुरु भाई का हेल्प किए, मतलब कैसे उनका सुचारू रूप से ट्रैवल हो गया, और वो भी खुद अपने अंदर से भी मॉनिटर कर रहे थे कहीं बच्चा का तो कुछ है, हो तो नहीं है, या कुछ ऐसे सिम्टम्स या असिम्टोमेटिक तो कोई स्वभाव तो नहीं है। लेकिन ऑलरेडी वहाँ पे 1.5-2 महीना रह गए, फिर उसके बाद 1.5-2 महीने के बाद फिर वापस वो बेंगलोर आए हैं। तो देखिए, ऐसे हमारा लाइफ में ऐसे छोटे छोटे या बड़े इंसिडेंट होते रहते हैं, लेकिन हम ठाकुर जी को ले के चलेंगे, उनके साथ हमारा
हर एक प्रॉब्लम, हर एक सुख और दुख शेयर करेंगे, बांटेंगे, तभी जाके हमारा मकसद, हमारा इष्ट को लेके चलना सिद्ध हो पाएगा। आप ज़रूर ठाकुर जी को लेके अपने रास्ता में, अपने जीवन पथ में चलिए। जैसे अंधेरा रास्ता में कुछ दिखता नहीं है, लेकिन आप जैसे जैसे लाइट टॉर्च के माध्यम से धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चलेंगे, ऐसे हम ठाकुर जी को लेके अपने रास्ते में, अपने जीवन पथ में आगे बढ़ते जाएंगे। और सभी का मंगल हो और सब लोग स्वस्थ हो, ये मैं ठाकुर जी के पास प्रार्थना करता हूँ। सभी को जय गुरु।